बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे फाइल साइज कैलकुलेशन। फाइल साइज कैलकुलेशन नोट्स खोलें सारे स्टूडेंट्स अपने अपने। फाइल साइज कैलकुलेशन में हमने दो बातें स्टडी की थी, हम लोग इमेजेस का फाइल साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और साउंड का फाइल साइज हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कल हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, किसकी भला? इमेजेस की कर ली थी। इमेजेस की, इमेजेस में दो बातें जो सी हैं वो कंसीडर की जाती हैं। इमेजेस में रिकॉल करा रहा हूं बच्चों, जरा प्लीज खामोशी से सुनिएगा। एक आती है हमारे पास कलर डेप्थ और दूसरा आता है हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है, ये दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इनमें कोई सवाल है तो बताइए। ये सबको क्लियर है, फॉर्मूला याद है, फाइल साइज इज इक्वल टू कलर डेप्थ मल्टीप्लाई बाय इमेज रेजोल्यूशन। क्लियर हो रहा है यहां तक? करें, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम आते हैं किसकी तरफ? साउंड की तरफ। साउंड का फाइल साइज निकालने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज हमने कुछ बातें पहले पढ़ ली थी कि साउंड के अंदर कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला आता है सैम्पलिंग रेट, एक और चीज हमने पढ़ ली थी दैट इज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, मुझे मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा मुझे सिर्फ वो बच्चा बताए सैम्पलिंग रेट किसको बोलते हैं। हमजा क्या नहीं, आप बताइए व्हाट इज सैम्पलिंग रेट? इट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। हमारा जो साउंड सिग्नल होता है इज इट एनालॉग इन नेचर या डिजिटल? एनालॉग साउंड जो सा है नेचर में, रियलिटी में ये एनालॉग होता है डिजिटल होता है? एनालॉग होता है। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एनालॉग होते हैं। उनको कंप्यूटर में अगर आपने प्रोसेस करवाना है तो कंप्यूटर की कह लें कि कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है कि वो एनालॉग चीजों को नहीं सॉल्व कर पाता। तो हर एनालॉग क्वांटिटी को वो पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर, वंस एंड जीरोस के अंदर। सो एनालॉग सिग्नल अगर बनाया जाए तो वो कुछ इस किस्म का होगा जिसकी वैल्यूज हर लम्हे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और डिजिटल की जब बात की जाएगी तो उसमें सिर्फ दो वैल्यूज आएंगे, या वंस आएंगे या तो जीरोस होंगे। सिर्फ दो वैल्यूज होती है, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, हाई वैल्यू या लो वैल्यू होती है उसके अंदर। हाई को वन इंटरप्रेट किया जाता है और लो को जीरो इंटरप्रेट किया जाता है, और वो फिर कंप्यूटर उसको अपने पास वंस एंड जीरोस की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? अब अगर साउंड सिग्नल ऐसा था तो कंप्यूटर के किसी काम का नहीं है ये, तो कंप्यूटर इसको अपने काम पे लाने के लिए इसको पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर। सो उसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल करता है, नाम क्या था? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है इसकी, सुनना है जरा प्लीज। एडीसी में कन्वर्ट करके डिजिटल में जब वो कन्वर्ट करेगा तो अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लेगा। प्रोसेस में दो स्टेप्स होते थे, कौन कौन से वाले? पहला स्टेप नंबर वन इज सैंपलिंग, दूसरा स्टेप वॉज क्वांटाइजिंग। सैंपलिंग किसको बोलते हैं? कितना रेगुलरली आप सिग्नल में से सैंपल्स को या सिग्नल वैल्यूज को या सिग्नल के एम्पलीट्यूड को पिक कर रहे होते हैं। हाउ रेगुलरली, या इट इज द सैंपलिंग इज द प्रोसेस इन विच यू पिक द सिग्नल एम्पलीट्यूड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हर वन मिली सेकेंड के बाद या हर वन माइक्रो सेकेंड के बाद आपने सिग्नल की एक वैल्यू पिक करनी है। जैसे वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? यहां पर अगर मैं टाइम का एक्सेस बना दूं तो यह वैल्यू ये वाली होगी, ये वाली होगी। ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऊंचा बोले साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो ये लेता रहेगा जितनी, जहां तक इसने साउंड को या उस म्यूजिक फाइल को सेव करना है अपने पास, ये इन डॉट्स को या इन सैंपल्स को, इन छोटे छोटे जो डॉट्स या सिग्नल की जो वैल्यूज है इनको सैंपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंपल्स। इन सैंपल्स को अपने पास सेव करता रहेगा। लेकिन
इंसाम्बल्स को अपने पास सेव करते हुए उसको तो बिट्स चाहिए, क्या चाहिए उनको, बिट्स चाहिए। अगर ये म्यूजिक फाइल है तो जब सीडी इस्तेमाल होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें कितनी बिट्स चाहिए होती हैं हर सैंपल के लिए ताकि वो कंप्यूटर में सेव हो जाए। हर जैसे ये वाला सैंपल है, दिस वन, दिस इज वन सैंपल, दिस वन इज अनदर सैंपल, ये वाला तीसरा सैंपल है, ये वाला चौथा सैंपल है, ये वाला पांचवा सैंपल है। हर सैंपल जब कंप्यूटर में सेव होगा उसको कुछ नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होंगी, और वो हमने इस इतनी बिट्स रिक्वायर करनी है, इतनी बिट्स हमने इस्तेमाल करनी है जिससे हमारे कंप्यूटर में वो वैल्यू एटलीस्ट सेव हो जाए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 21 है, एक वैल्यू आती है हमारे पास, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 21, तो 21 को स्टोर कराने के लिए 3 बिट्स आर नॉट इनफ, इवन 4 बिट्स आर नॉट इनफ, ऐसा ही है ना, बिकॉज 4 बिट्स तो आपकी वैल्यू 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज को स्टोर करा सकता है, 21 तक तो नहीं स्टोर कराएगा ना, बिकॉज यू नो 4 बिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ऑल जीरोस, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये वाली, ये किसके बराबर है, 0 के, ये किसके बराबर है 15 के, तो 4 बिट्स आर नॉट इनफ टू स्टोर 21, यू नीड 5 बिट्स, समझ रहे मेरी बात। इसी तरह 21 से भी बड़ी कोई वैल्यू आ जाती है तो 5 बिट्स भी काफी नहीं होंगी, या अगर 21 के बीच में डेसिमल वैल्यूज आ जाती है, लेट्स से 21.9 आ जाता है, 21.5 आ जाता है, तो इवन 5 बिट्स भी काफी नहीं होंगी, हमें बिट्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, हमें बिट्स की तादाद क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और ये बात भी याद रखें कि जो सैंपल्स हम पिक कर रहे हैं वो कुछ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में नहीं कर रहे, 1 सेकंड में हजारों की तादाद में सैंपल्स उठ रहे हैं, तो वो जो दो एडजेसेंट सैंपल्स होंगे उनकी वैल्यू एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी, बहुत कम डिफरेंट होगी उनसे, ऐसा है कि नहीं। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप साउंड के अंदर 44,000 सैंपल्स आप उठाते हैं 1 सेकंड में, लियोनार्डो रूल क्या कहता है, सैंपलिंग रेट फॉर साउंड इज हाउ मच, 44,000 सैंपल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने सैंपल्स उठ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन जो एडजेसेंट सैंपल्स हैं क्या उनकी वैल्यूज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगी या वेरी क्लोज टू इच अदर होंगी, ऐसा है कि नहीं। तो जब वो वेरी क्लोज टू इच अदर है तो उनके अंदर तो बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा कि एक वैल्यू 19 है तो दूसरी 23 हो जाएगी, अगर एक वैल्यू 19.1112 है तो दूसरी होगी 19.1113 हो सकती है, मेरी बात अंडरस्टैंड करें, या 19.111 हो सकती है, बहुत क्लोज होगी उसके, इतना क्लोजली डेसिमल वैल्यूज को भी हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि कितनी बिट्स चाहिए एक सैंपल को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, बताइए, 16 बिट्स। सैंपलिंग रेजोल्यूशन कितनी चाहिए हमें, 16 बिट्स पर सैंपल, हर सैंपल को कंप्यूटर में स्टोर कराने के लिए आपको 16 बिट्स चाहिए। तो सोचें जितने सैंपल्स बढ़ते जाएंगे उतनी मेमोरी ज्यादा लगने लग जाएगी, और 16 इसलिए लिया जाता है ताकि जो आप जिस सैंपल को कन्वर्ट कर रहे हैं ना इस रूल के मुताबिक 44,100 सैंपल्स, हर सैंपल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 16 बिट्स आर नॉट आइडियलिस्टिकली बेहतरीन नहीं है, बट वेरी मच बेटर, बहुत बेहतर है कि जब हम इसको दोबारा कंप्यूटर में सेव करा के ना दोबारा सुनने की कोशिश करेंगे ना, फिर से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद जब सुनने की कोशिश करेंगे, फिर से लाउड स्पीकर से सुनने की कोशिश करेंगे, जैसे म्यूजिक मैं गा रहा हूं ना, मतलब आपके साथ में लेक्चर दे रहा हूं, वो कंप्यूटर में सेव होता है, कंप्यूटर में सेव हो रहा है, मिसाल के तौर पे जब वो सेव हो रहा है तो कंप्यूटर एडीसी का प्रोसेस कर रहा है, एडीसी का प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है, अपने पास सेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेट्स से जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये ब्रॉडकास्ट भी शुरू कर दे किसी और जगह में, ऑफ साइट लोकेशन पर एक बच्चा बैठा हुआ लेक्चर ले रहा है और ये ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है, तो भाई मैं तो ऑडियो, मेरे मुंह से तो एनालॉग ही निकल रही है ना कि नहीं, मेरे मुंह से तो एनालॉग बात निकल रही है, मैं कोई रोबोट की तरह से तो बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने। इसी तरह से जो स्टूडेंट बैठा हुआ लेक्चर सुन रहा है उसको भी मेरी यही आवाज आ रही है, जैसे आपको आ रही है ना, जिस क्वालिटी से आपको आ रही है मेरी आवाज, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मुझे सुन रहे हैं ना, लाइव सुन रहे हैं, फिजिकल सुन रहे हैं, उसमें पता कितना फर्क होगा, इतना फर्क होगा कि वो इंसानी कान डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उस फर्क को, फर्क होगा उस आवाज में। आप जो व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो भेजते हैं उस फर्क, उस आवाज में भी फर्क होता है, व्हाट्सएप पे जो ऑडियो आपका जा रहा होता है, भेजते हैं ना, कभी वॉइस मैसेज भेजा आपने, वॉइस मैसेज भेजा,
तो वॉइस मैसेज पर जो आपकी आवाज अगले बंदे तक जाती है वो पहले क्या होती है, आपकी आवाज एनालॉग, आपके मोबाइल में एडीसी लगा हुआ है, वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इंटरनेट के जरिए सेंड कर देता है, वहां पर दूसरा बंदा बैठा हुआ है उसके मोबाइल में इंटरनेट के जरिए चीज रिसीव हो जाती है, सुन रहे कि नहीं, रिसीव हो जाती है। अब वहां पे क्या होता है, माइक के जरिए नहीं स्पीकर के जरिए आपको सुनाई जाती है आवाज, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो स्पीकर के साथ कौन सी वाली चिप लगाई हुई है उन्होंने, डीएससी वाली चिप लगाई हुई है, एडीसी वाली नहीं लगाई हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोन पकड़ता हूं, यह फोन है, मैं यहां से कान पे लगाता हूं, इस तरफ लगा होगा माइक, स्पीकर लगा होगा ऊपर, तो डीएससी लगा होगा ऊपर, एडीसी लगा होगा नीचे। समझ रहे मेरी बात की नहीं, नहीं समझ आ रही, आ रही? तो आवाज कभी आप नोट करो, इसके नीचे ना आपको छोटा सा डॉट सुराख से नजर आएगा, वो सुराख होता है माइक का, किसका सुराख होता है, माइक का। अब स्पीकर जो उनसे ना यहाँ पे लगा हुआ है, अपने लिए इसने एक सुराख रखा है और हमारे लिए स्पीकर बड़ा सारा रखा होता है, क्योंकि इंसान का कान नहीं सुन सकता, एक सुराख दूंगा ना स्पीकर के लिए भी सुनाई नहीं देना आपको, क्लियर हो रही मेरी बात। इसलिए स्पीकर के ज्यादा बड़ी वैल्यूज, बड़ा मतलब साइज होता है उसका, माइक का छोटी सी भी वैल्यू, कंप्यूटर मोर सेंसिटिव, इसको एक छोटी सी भी आवाज सुनाई दे दी तो उसने रिकॉर्ड कर लेनी है उसको, क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। सो इंसान के लिए 16 बिट्स की जो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है ये बेहतरीन है, इससे ज्यादा करेंगे ना मिसाल के तौर पे तो हमारे कानों को समझ नहीं आने, क्योंकि अभी भी तो वही आवाज आ रही है जो 16 बिट के जो सैंपल्स आपने यूज किए थे उसके साथ जो आवाज बन रही थी, रिप्रोड्यूस हो रही थी आफ्टर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद, वो भी सेम है। 24 बिट्स का सैंपलिंग रेजोल्यूशन लेते हैं, 24 बिट्स पर सैंपल, तब भी आवाज तो सेम आ रही है। लेकिन कंप्यूटर से पूछो, अगर एक कंप्यूटर बात करने लग जाए वो बोलेगा भाई बहुत फर्क है, 24 बिट्स पर सैंपल बहुत अच्छी आवाज है, 16 बिट्स वाली बहुत बुरी आवाज थी। लेकिन मैं तो इंसान हूं, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ साउंड या म्यूजिक, किसके लिए है, मेरे लिए है ना, रोबोट के लिए तो नहीं है, तो मुझे तो आवाज सही आ रही है, मुझे तो राहत फतेह अली खान की आवाज सुनता हूं तो उसी की आती है, मैं तलावत सुनता हूं तो मुझे वही आवाज कारी साहब की आवाज आ रही होती है, ना कि मुझे किसी और की आवाज आ रही है, ऐसा होता कि नहीं होता। सो इससे कम करेंगे तो तब क्वालिटी खराब होने के चांसेस हैं। अगर आप 8 बिट्स इस्तेमाल करें पर सैंपल, 8 बिट्स तो बहुत कम वैल्यूज दे सकता है आपको, 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे सकता है 8 बिट्स, सारे जीरोस एंड सारे वंस। लेकिन आप सोचो अगर उसके बीच में डेसिमल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दूं, फिर तो 256 तक भी नहीं जा सकेगा, 255 तक भी नहीं जा सकेगा, वो मतलब तो बहुत कम वैल्यूज बीच में रिप्रेजेंट हो पाएंगी, तब उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी। तो बेहतर यही है कि जब आप सीडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक सवाल आता है जी क्यों 16 बिट की सैंपलिंग रेजोल्यूशन सीडी में इस्तेमाल होती है, वो इसलिए होती है ताकि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द सिग्नल अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखें, अपनी ओरिजिनलिटी को क्या रखें, बरकरार रखें, अपनी ओरिजिनल वैल्यूज कंप्यूटर में जाके सेव हो, ताकि रिप्रोडक्शन ऑफ दो सिग्नल कुड बी इजियर, ताकि रिप्रोड्यूस सिग्नल होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं जो सुने, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं जो मेरी ओरिजिनल ऑडियो, जो ओरिजिनल ऑडियो उसको भी अपने पास सेव रखे, और जो रिप्रोड्यूस्ड ऑडियो है जो एडीसी करने के बाद उसको भी अपने पास रखे, दोनों को जब वो कंपेयर कराएगा ना, आपको पता है 100% सेम नहीं होंगे, वो सॉफ्टवेयर बता देगा यार फर्क है इसमें। लेकिन इंसान को सुनाओ जरा ओरिजिनल आवाज, और इंसान को सुनाओ जरा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड आवाज सुनाओ, वो कहेगा यार दोनों तो 100% सेम है, वजह क्या है उसकी, हम कल बात कर रहे थे ना, ताकत इंसान के कानों की इतनी नहीं है कि वो इसको डिटेक्ट कर पाए, इंसान के कानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सब बताइए जी। एडीसी डिवाइस नहीं, इट्स अ प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो चिप मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट, इसमें सेल भी खत्म हो गए, ये सेल डाल देना इसमें, अच्छा अब कोई चिप जो नजर आ रही है ना, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप है ये। अब एक चिप के अंदर बहुत सारी ताकत होती है कि वो मुख्तलिफ काम कर सकता है। अब ये इसमें एक चिप है, बहुत सारी चिप्स हैं, बहुत सारी हैं। ब्लैक कलर की आपको माइक्रो चिप नजर आ रही है, इनपुट डिवाइस डिफरेंट चीज को बोलते हैं, समझ आ रही कि नहीं आ रही। इट्स जस्ट हेल्पिंग कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को कन्वर्ट कर ले। इनपुट डिवाइस का इंटरेक्शन मोस्टली मेरे साथ है, मतलब ह्यूमन के साथ है, ठीक है, जैसे माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया,
माउस हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी क्या चीज है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। टच स्क्रीन हो गई, टच कर रहा हूं इनपुट दे रहा हूं, वही टच स्क्रीन मुझे आउटपुट भी देती है। तो टच स्क्रीन वाहिद है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के काम आ रही है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? अभी तक पता सिर्फ क्या चीज ट्रांसफर हो सकी है, क्या चीज हो सकी, एक आपकी आवाज ट्रांसफर हो सकी है, एक आपकी इमेज के लिए उन्होंने जुगाड़ निकाला, इमेज हो सका है ट्रांसफर, वीडियो ट्रांसफर हो सकती है कंप्यूटर में, वीडियो हो सकती है, ठीक है। अब होलोग्राम्स का कॉन्सेप्ट पता आप लोगों को, होलोग्राम्स के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं अभी। उससे क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोचें, वीडियो ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की स्पीड स्लो चाहिए या तेज चाहिए? फास्ट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। जैसे एक सेकंड के अंदर पहले होता था ना, एक तस्वीर बनाई तो इट्स अ स्टिल इमेज। अब क्या होगा, एक सेकंड के अंदर 30 तस्वीरें बनेंगी आपकी वीडियो में। व्हाट इज वीडियो? वन सेकंड में हाउ मेनी पिक्चर्स, हाउ मेनी पिक्चर्स, 30 पिक्चर्स, जिसको आप नहीं कहते फ्रेम्स, अब कहते हैं ना फ्रेम्स, फ्रेम्स पर सेकंड। सुना कि नहीं सुना? 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब इंसान की जो आंख है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर वो समझने लग जाती है कि अब ये वीडियो की कैटेगरी शुरू हो चुकी है। अगर आप 15 फ्रेम्स पर सेकंड मुझे दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, वीडियो है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। मुझे एक सेकंड में 30, 25, 26, 27, 28, 29 या 30 तस्वीरें दिखाओ ना एक सेकंड में, या दो सेकंड में 60 पिक्चर्स दिखाओ, कितनी 60, 3 सेकंड में मुझे 90 पिक्चर्स दिखाओ, तो ऑब्वियसली कैसे दिखाओगे? बहुत स्पीड से स्क्रॉल करोगे कि नहीं? स्क्रॉल करोगे ना। तो मैं अगर उस तस्वीरों की तरफ देखूं तो बहुत सारी तस्वीरें स्किप हो जाएंगी मेरे से, मैं बहुत सारी तस्वीरें मेरे परसेप्शन से ही स्किप हो जाएंगी और मुझे इल्यूजन सी महसूस होगी कि यार ये तो वीडियो है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मूव कर रही है ना, एक मूविंग पिक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मूविंग पिक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगा? मूविंग पिक्चर बन जाएगा। पहले स्टैटिक इमेज था, एक तस्वीर स्टैटिक इमेज है, लेकिन आप उन तमाम तस्वीरों को इकट्ठा एक सेकंड में व्यू करेंगे तो वो मूविंग पिक्चर बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सुने, अब इसके साथ जब आप ऑडियो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, आवाज भी रिकॉर्ड करते रहे माइक से और तस्वीरें भी बनाते रहे, दोनों को सिंक्रोनाइज कर दें, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वीडियो बन जाएगी। तो वीडियो क्या है? ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन है किस चीज की? मूविंग पिक्चर्स की। आपने सुना मैं MPEG-4 4 इज अ वर्जन, MP4 नहीं सुना आपने? MP3 सुना है? MP3 फॉर्मेट ऑफ अ साउंड। मूवीज आप ये जो साउंड डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, तो उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है, तस्वीर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? JPEG। आप कभी भी आज जाएं, जिसने नहीं देखा हुआ, अपनी कोई तस्वीर खींचे, मोबाइल से तस्वीर खींचे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं या डिटेल्स में जाएं, देखना नीचे लिखा होगा फाइल फॉर्मेट JPEG, जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रुप। इसी तरह से जब ऑडियो होगी ना, ऑडियो में लिखा होगा MP3। अब जो दूसरी है ना आपकी वीडियो की मैं बात करूं, ये भी एक मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप -4 MP4, इसलिए उसको नाम दिया गया है। एक रिसर्च ग्रुप था जिसने ये सारी रिसर्च स्टार्टिंग में की थी, उन्होंने तस्वीरों को और ऑडियो को इकट्ठा करके मर्ज करके ना प्ले करवाया। क्या करवाया? प्ले करवाया। ऑडियो की बिट्स अलग है, पिक्चर्स की बिट्स अलग हैं, मर्ज किया, वीडियो बन गई। उन्होंने कहा जी क्या बात है, कमाल हो गया, ये तो वीडियो बन गई है, ये भी काम, इस पे भी काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने इसको भी कंप्यूटर में शामिल कर। एक चीज रहती है अभी, स्मेल ट्रांसफर करनी है, खुशबू ट्रांसफर करनी है, फ्रेग्रेंस ट्रांसफर करनी है, उसके ऊपर भी दुनिया काम कर रही है। कि देखें, सेंस है ना, सेंस, एक खुशबू भी एक सेंस है। आप जैसे टेस्ट रहता है और स्मेल रहती है। बाकी ऑडियो भी हमने कर लिया, हमने आंखों वाला चक्कर भी कर लिया, अभी सिर्फ स्मेल वाला रहता है, स्मेल भी काम हो रहा है। तो फिर दुनिया फिर क्या करेगी? अगर होलोग्राम्स भी काम होने लग जाए, इंटरनेट स्पीड बहुत तेज हो जाए, क्योंकि अब होलोग्राम्स में थ्री डायमेंशनल वीडियो ट्रांसफर हुआ करेगी। तो अगर पिक्चर में कम बिट्स पर सेकंड इस्तेमाल हो रही है, वीडियो में उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, होलोग्राम्स में उससे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी। अब पहले टू डायमेंशनल बिट्स ट्रांसफर होती थी, जैसे पिक्चर में कितनी डायमेंशंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, स्क्रीन पर सिर्फ 2D नजर आ रहा है ना, होलोग्राम्स में 2D नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली 3D बनेगा, उसके गैजेट्स भी फिर डिफरेंट होंगे,
उसके उसके गैजेट्स भी डिफरेंट होंगे, उसके प्रोजेक्टर्स डिफरेंट होंगे, समझ रहे मेरी बात के नहीं। जैसे अक्सर मूवीज में, कॉन्सेप्ट मूवीज में आप देखते हैं कि जी होलोग्राम्स आ रहे होते हैं, तो प्रोजेक्टर होता है, तीन डिफरेंट डायरेक्शन से रोशनी पड़ रही होती है और वो एक इमेज बना रही होती है, नीचे से भी आ सकती है, ऊपर से भी, और वो तीन लाइट्स को आपस में मर्ज करके भी एक होलोग्राम बना सकते हैं। मतलब क्या, डेटा ट्रांसफर रेट एक्सट्रीमली ज्यादा चाहिए उसके लिए, क्या नहीं, क्योंकि अब वो 2D इमेज नहीं, अब वो 3D में, तो सोचे बिट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जानी है। तो एक एक रिसर्च ग्रुप इसमें भी काम कर रहा है कि हाउ टू इंक्रीज द डेटा ट्रांसफर रेट, दूसरा होलोग्राम्स पे काम कर रहा है, और तीसरा रिसर्च ग्रुप स्मेल भी ट्रांसफर कर रहा है। तीनों चीजें हो जाएंगी ना, तीनों चीजें हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, फिर अपने प्यारों की ना खुशबू भी सेव किया करेंगे। तो कभी उनको अगर अपनी माँ याद आ रही है तो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लिया करेंगे, उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसका होलोग्राम्स रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इमेजिनरी अंदाज में उनको उनको दिखेगा कि शायद मेरे साथ शाहरुख खान बात कर रहा है, मेरे साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। और आप वो भी लगा लें, अगर वो वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स लगा लें, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी सेट लगा लें, हेडसेट जो है, तो आपको और भी ज्यादा महसूस होगा कि हाँ यार मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया हूँ, है कि नहीं। टेनिस खेल रहे हैं, रॉजर फेडरर से टेनिस खेलते रहे, पंजाबी मारेगा वो आपको, ठीक है, और जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। तो साइंस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, एंड इट इज नॉट द ओनली साइंस जो चल रही है दुनिया में, और बहुत सारे रिसर्च ग्रुप्स हैं जो हर एक बंदा अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी रिसर्च की फील्ड में आगे आगे निकलता जा रहा है। सो अगर आप अभी भी पुराने जमाने की तरह से सोच रखेंगे तो पीछे रह जाएंगे, तो थिंक अ बिट डिफरेंटली, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, सही है ना। सुनो, अब आते हैं जरा इसकी तरफ। डिस्टॉर्शन बोलते हैं किसी एक प्योर चीज के अंदर किसी अनवांटेड चीज का आना। डिस्टॉर्शन किसको कहा जाता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यू नो डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड, इज बीइंग कंटिन्यूअसली बीइंग कॉज्ड बाय दिस फैन। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरी आवाज ऊंची है इसलिए आप तक आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज इस पंखे की आवाज जैसी हो जाए ना, या इसके करीब करीब हो, तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। सो दिस इज कॉन्टिन्यूसली डिस्टॉर्टिंग माई ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इट इज बेस्ट, चूंकि ये इतना खूबसूरत सिग्नल नहीं होता, इसमें बड़ी फ्लक्चुएशंस होती है। जैसे नहीं वो दिल की हार्ट बीट आप जब डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ECG जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं ना, दिल का जो धड़कन महसूस करने के लिए वो जो बड़ी स्पाइक्स होते हैं, क्यों समीर, स्पाइक्स होते हैं उसके अंदर के, नहीं होते। अब उस स्पाइक्स की तरफ देखा जाए तो ऑडियो मोर और लेस इस तरह की होती है, समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो उसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस होती हैं। उन डिस्टॉर्शंस को अगर मैं एम्पलीफाई कर दूं, एनालॉग में ही यूज करता रहूं, वो तो कभी भी मेरे काम ही नहीं आ सकती। इसलिए कंप्यूटर्स में उनको क्या किया जाता है, पहले डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रोसेस किया जाता है, तो डिस्टॉर्शन से जान छूट भी सकती है हमारी। हमारे कान नहीं डिटेक्ट कर पाते, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एरर आते हैं उसके अंदर, मतलब ओरिजिनल नहीं कन्वर्ट हो सकती, लेकिन हमें चाहिए ना ऑडियो को सुनने के लिए, तो हमारे कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। 16 बिट्स पर सैंपल आर इनफ, ठीक है, ये मैक्सिमम इतना काफी है, इससे ऊपर जाएंगे जरूरत नहीं है उसके लिए। फाइल साइज, अब फाइल साइज में बताता हूं, ये सारा है पर सेकेंड के हिसाब से, एक सेकेंड में इतने सैंपल्स बन रहे हैं, एक सेकंड में इतने सैंपल्स बन रहे हैं। बेटा आप खड़े हो जाएं, आप वकास खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ वो पीछे दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाएं। हाँ जी, यहाँ पे दरवाजे के पास खड़े हो जाएं। यहां तक सबको समझ आ रहा है? फाइल साइज मैंने कहा ये जितनी बातें मैंने लिखी हुई है ना, दिस इज कौन सा रूल, लियोनार्डोज रूल है ये, कौन सा रूल है, लियोनार्डोज रूल है। और ये 16 बिट्स पर सैंपल फॉर MP3 या CD की ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्यों इस्तेमाल होता है, रीजनरेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, रीजनरेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज एक्यूरेट, रीजनरेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज एक्यूरेट। अच्छा खैर, मैं फाइल साइज की बात कर रहा था, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। लेट्स से 3 मिनट्स का एक सॉन्ग है, लेट्स से कितने मिनट्स का, 3 मिनट्स का एक सॉन्ग है,
थ्री मिनट्स का सॉन्ग है, थ्री मिनट्स के सॉन्ग में कितने सेकंड्स होते हैं बताओ बच्चों? वन मिनट में कितने सेकंड्स हैं? तो थ्री मिनट्स में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर दें सिंपल 180 सेकंड्स। 180 सेकंड्स के लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमने एक बात कही थी कि फाइल साइज कैलकुलेट करना है, क्या होंगे हमारे पास कितने सैंपल्स बनेंगे? 44,100 सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय 180, इतने सैंपल्स बनेंगे कितनी देर में? कितनी देर में? थ्री मिनट्स में। कितनी देर में? थ्री मिनट्स में। हर सैंपल कितने बिट्स का था? 16 बिट्स का था। इतने सैंपल्स कितनी बिट्स के होंगे? मल्टीप्लाई बाय 16 के होंगे। कितने के होंगे? मल्टीप्लाई बाय 16 के। सिंपल है, मुश्किल है? ये बहुत सिंपल सा है। सो जनरली आप याद रखना चाहते हैं तो आप यूं याद रख लें, सैंपलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय सैंपलिंग रेजोल्यूशन, ये एक सेकंड की बात हो रही है, अगर सेकंड्स की तादाद बढ़ा देंगे तो मल्टीप्लाई बाय टाइम किसमें? इन सेकंड्स में आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? एक मिनट, एक और चीज इसमें आती होती है, मोनो या स्टीरियो। मोनो में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय वन। वन किस केस में? मोनो साउंड्स में, ठीक है, मोनो साउंड में मल्टीप्लाई बाय वन। अगर ये स्टीरियो हुआ तो मल्टीप्लाई बाय, मैं डिफरेंटली लिख रहा हूं डिफरेंट मार्कर से, या तो और इनटू टू, और ये टू किसके लिए होगा? स्टीरियो साउंड के लिए होगा। स्टीरियो साउंड्स किस तरह के होते हैं अब जरा सुनना मेरी बात। एक वेवफॉर्म है, ऑडियो सिग्नल है, वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, जरा सुनना एवरीवन, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? यूं ट्रेवल कर रहा है। और एक एक साउंड है वो यूं ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेव बना रहा है, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? एक सांप क्या वर्टिकली सांप की तरह से चल रहा है, मैं अगर व्हाइट बोर्ड पर बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा मैं, एक सिग्नल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं बच्चों बताइए? एक सिग्नल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, समझ रहे हैं? जो रेड वाला ये कैसे जा रहा है? ये हॉरिजॉन्टली सांप की तरह जा रहा है, जैसे जमीन में जा रहा है। और दूसरा क्या है, अगर एक रस्सी को बांध के आप दीवार के साथ यूं यूं हिलाइए, समझ आ रही है कि नहीं? दोनों में वेव्स तो एक जैसी बनेगी, लेकिन एक वर्टिकल जा रही है और एक हॉरिजॉन्टल जा रही है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो जितना आपका पूरा प्रोसेस है, टू से इसलिए मल्टीप्लाई कराया जाता है कि दोनों को कंसीडर कर लेती है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी और बताइए हॉरिजॉन्टल भी। आपकी किताब पता क्या कहती है? कहती है रटा लगा लो। हमारा काम क्या है? रटा। मैंने समझा भी दिया कि क्यों होता है ऐसे। नहीं समझ आया भूल जाओ, बेशक समझ आ गया तो फॉर योर नॉलेज इट इज वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल है तो पूछे। मैंने बड़ी एक आसान कर दी बात, मैंने कहा समझ नहीं आया तो रटा लगा लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे सिर्फ स्टीरियो के लिए, मोनो के लिए इनटू वन करेंगे। क्या चीज ये क्यों पूछेगा? ये तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पेपर सिर्फ ये करेगा, पेपर की बात कर रहे हैं तो ये करेगा। कंप्यूटर में कभी भी ये बात याद रखिए, अगर आप पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, पेपर में ए चाहिए, ए स्टार आ जाएगा, आप कंप्यूटर में अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे। कंप्यूटर क्या चीज है? स्किल बेस्ड है। बी लेके भी बच्चे कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, तो कंप्यूटर एक स्किल वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें स्किल जरूरी है। मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप ए स्टार्स के लिए मेहनत करें, यहां पे ए स्टार के लिए भी करें और सब्जेक्ट को समझने के लिए भी करें, क्योंकि कंप्यूटर आप इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आगे आपने आईटी की फील्ड में जाना है, डॉक्टर तो बनना नहीं है। तो अगर आप आईटी की फील्ड में जाते हैं और आईटी के बारे में अलिफ बे पे ही नहीं पता होगी आपको, उसकी बेसिक सेंस ही नहीं होगी, तो क्या जरूरत है फिर कंप्यूटर रखने की? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? तो ये एक ऐसी फील्ड है जो स्किल बेस्ड है, तो इसमें ज्यादा नॉलेज हासिल करें, ठीक है। और उस नॉलेज को चूंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी जाना, तो हमें डेफिनेटली यू नो एक मसला है जो हमें ग्रेड्स तो चाहिए, तो वो तो आपको हासिल करने ही करने जो मर्जी हो जाए, तो उसके लिए आप मेहनत करते रहें साथ साथ। क्लियर है ये बात क्या नहीं? जी बेटा सवाल सुने सारे, सीडी के लिए और MP3 के लिए, ये हमेशा जब ना भी दे तब भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेना, MP4 वीडियो होती है, ऑडियो नहीं होती। नेक्स्ट सवाल, आपको एक सवाल दिया मैं कराता हूँ खुद। नेक्स्ट सवाल क्या चीज?
टाइम दिया होता है कितने म्यूजिक के लिए? आपका सवाल और किसी का सवाल? ऐसे नहीं हो सकता बेटा, जो चीज सवाल है वो ऐसे हो नहीं सकता कि वैल्यूज ना दे और आपसे पूछा साउंड निकाले, फाइल साइज निकाले, सब्जेक्ट बना लेना इसमें से, ठीक है? अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया गर्ल्स एंड बॉयज, जितना टाइम होगा टाइम को मल्टीप्लाई करा लेना उसके साथ, मोनो है इंटू वन, स्टीरियो है इंटू टू। अच्छा वैसे ये अगर स्टीरियो था तो जवाब क्या आ जाएगा? इंटू टू भी आ जाएगा। क्लियर हुई सारों को मेरी बात? अब आते हैं सर एक एग्जाम्पल की तरफ, उधर ही रखो इसको। बोलेगा, वो बोलेगा कि ये मोनो है और ये स्टीरियो है। आप लोगों को एक सवाल दिया गया था कोई ऐसा करके, मुझे जरा दिखा सकते हैं, मुझे होमवर्क दिखा सकते हैं? आपके होमवर्क में से एक सवाल कर रहा हूं, फाइल साइज उसके बाद दोबारा डिस्कस नहीं होगी, इसलिए अपने होमवर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने कल भी कुछ करा दिया था, कुछ आज करा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑडियो हैज एन ऑडियो सीडी, ऑडियो सीडी है जी, ऑडियो सीडी हैज अ सैंपल रेट ऑफ 44,100 सैंपल्स पर सैंपलिंग पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ऑडियो कौन सी वाली है? सीडी की है। सैंपलिंग रेट किसका है? लियोनार्डोज रूल, 44,000 सैंपल्स पर सेकेंड। अच्छा इसको सम टाइम मैंने आपको बताया हुआ है, सैंपल्स पर सेकेंड को क्या कह सकते हैं? हर्ट्ज भी कहा जा सकता है। तो वो सैंपलिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली अ सैंपल इज चोजन, तो हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसके यूनिट्स है? फ्रीक्वेंसी के। ये किसी भी जगह, आई टोल्ड यू, किसी भी जगह यूज हो सकते हैं। कोई भी चीज कितना फ्रीक्वेंटली अगर कर रही है तो उसके जगह पे आप हर्ट्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सैंपलिंग रेजोल्यूशन कितनी है? सैंपलिंग रेजोल्यूशन उसने खुद दिया हुआ है 16 बिट्स पर सैंपल। ओके, द म्यूजिक बीइंग सैंपल्ड यूजेस टू चैनल्स टू अलाउ फॉर स्टीरियो रिकॉर्डिंग। दे दिया उजैर, द म्यूजिक बीइंग सैंपल्ड uses two channels to allow for stereo recording. Two channels का मतलब क्या? चैनल का लफ्ज का मतलब समझें, कंप्यूटर्स में चैनल बोले, वायर बोले, मीडियम बोले, एक ही चीज है। चैनल का दूसरा नाम क्या होता है? वायर। चैनल उस जगह को बोलते हैं जिसके थ्रू कुछ बिट्स आपकी ट्रेवल कर सकती हैं। इट्स अ मीडियम थ्रू या वाया विच डेटा इज ट्रांसमिटेड। So a word channel can be used, a word wire can be used, a word medium can also be used. Bus भी क्या है? Bus is basically combination of many wires collectively joined together. They are taking same type of data from one point to another. जल्दी ले जाएंगे क्योंकि अब एक वायर नहीं है, 8 wires connect हुई हुई है bus में। So bus भी क्या है? It's a 8 wire channel है, 8 wire medium है, 8 bit channel भी बोल सकते हैं आप bus को। अगर 8 wires इकट्ठी जोड़ दो ना तो 8 सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे, हर सिग्नल को जो ट्रेवल कर रहा है वो इधर हाई होगा या लो होगा, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो 1 होगा या 0 होगा, तो बिट्स कहा जा सकता है उसको। तो वायर बोले, चैनल बोले, मीडियम बोले, एक ही बात है बेटा। कोई और सवाल पूछे ना जी। ये लिखा हुआ है ना यार, ये देखे ना, और कोई सवाल? आगे चले, ये इस पर क्यों फंस गए सारे? आगे चलो, बहुत बड़ी किताब है हमारी, हमने बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसमें, ठीक है? इसमें ना रुके, बस सिंपल बात है, सैंपलिंग रेट इतना है, सैंपलिंग रेजोल्यूशन इतना है। अब देखते हैं कितनी देर की बात हो रही है टाइम के लिए। सोए हुए थे, 3 मिनट की ऑडियो है, 180 सेकंड, इसलिए 180 से मल्टीप्लाई हुआ। कहता है कैलकुलेट द फाइल साइज फॉर अ 60 मिनट रिकॉर्डिंग। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग? 60 मिनट। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है बस। फाइल साइज 60 मिनट की रिकॉर्डिंग है, कितने मिनट की? 60 मिनट। 60 मिनट की रिकॉर्डिंग मतलब एक घंटे की रिकॉर्डिंग। एक घंटे के अंदर कितने होते हैं सेकंड्स? मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो इसको, तो 3600 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है? कैलकुलेटर नॉट अलाउड, तो बस आपको रफ वर्किंग ही करनी पड़ेगी। तो ये जगह 44,100 सैंपल्स इनटू सैंपलिंग रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय स्टीरियो
टू से मल्टीप्लाई कर दिया स्टीरियो की वजह से, मल्टीप्लाई बाय 3600। समझ आई सारा? समझ आई? ठीक है, मुश्किल तो नहीं। हाँ, अब ये नंबर ऑफ बिट्स होंगे, ये चूंकि सारी किस्में आ रही थी, सैंपल्स पर सेकेंड 16 बिट्स, द आंसर इज बिट्स, आंसर इज इन बिट्स। मेगा पहले बाइट में कन्वर्ट करो उसको, बाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 8, अगर इसको किलो बाइट में डिवाइडेड बाय 1000, किलो बाइट में डिवाइड बाय 1000, की भी बाइट में डिवाइडेड बाय 1024, मेगाबाइट में डिवाइडेड बाय, यार मेगा और मीबी में फर्क बताओ ना, बिल्कुल दिमाग से तो सोचना ही नहीं है ना, टांगों से सोचना है। मेगा में और मीबी में फर्क है, मेगा में और मीबी में फर्क है। एक सेकंड होल्ड करना जरा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात है वो सुन के आता हूं। इधर तवज्जो रखें, आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि मेगा और मीबी में फर्क है। मेगा के अंदर थाउजेंड्स वाली बातें, चाहे थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इस तरह किलो, मेगा और गीगा के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन किबी होगा तो थाउजेंड की बजाय 1024, मीबी होगा तो 1024 × 1024, कैलकुलेशंस पता है ना उसकी। अच्छा, अगर एक सवाल है वैसे इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता लेकिन एक वैसे जहन में मेरे सवाल है, एक सीडी है, यही वाली सीडी है, इस सीडी की मेमोरी है गर्ल्स एंड बॉयज फॉर एग्जाम्पल 50। बाय द वे सीडीज की जो मेमोरी होती है ना, इट्स अराउंड 700 मेगाबाइट्स। टेराबाइट सीडी कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता यार, कैसी बात है, प्रैक्टिकली नहीं है ना। ये जो डीवीडीज होती है ना वो इससे हायर, मतलब वो जीबीज में डेटा स्टोर कर सकती है, जो सीडी होती है ना वो 700 मेगाबाइट्स तक जाती है, ज्यादा उससे जीबी तक भी जाना है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मिसाल ले लो, एक सीडी ऐसी है जिसका साइज कितना है गर्ल्स एंड बॉयज 50, व्हाट इज दिस, मेगाबाइट्स। इस 50 मेगाबाइट्स में इस तरह के कितने गाने स्टोर हो सकते हैं, इस तरह की कितनी, कितने मिनट्स की ऑडियो स्टोर हो सकती है, ये कितने सेकंड्स की ऑडियो आ रही है, ये कितने सेकंड्स के लिए आ रही है, दिस इज फॉर 1 आवर, यस और नो, फॉर 1 आवर या फॉर कितने मिनट्स, कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। अब मैं आपसे पूछ, ये मेमोरी है या नहीं, मेमोरी है कि नहीं, अब ये क्या लिखा हुआ बिट्स, इसको कन्वर्ट करें जरा बाइट्स में, बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 8 कर दूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, बाइट्स लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं, जरा व्हाइट बोर्ड पर तवज्जो दे, मैं कुछ चीजें मिटाने वाला हूं, मैं डिवाइड बाय 8 करूंगा तो ये यहां से मिट के किसी एक के साथ डिवाइड कर दूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो गया, सारों में से जो आसान था मैंने डिवाइड कर दिया, कर दिया, सब बताओ कर दिया, ओके, इतने बाइट्स फॉर 60 मिनट्स आ गए। ठीक है, अब मेरा यह सवाल है, मेरा सवाल है कि 50 मेगाबाइट्स में, 50 नहीं करते, ज्यादा कर लेते थोड़ा सा, 500 मेगाबाइट्स में कितने मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं, इतने बाइट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यस और नो, यस और नो बताइए, हमारे पास कितने बाइट्स हैं, 500 मेगा, मेगा मींस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बाइट्स इज इक्वल टू एक्स मिनट्स, यस और नो बताएं बच्चों, यहां तक समझ आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर करूंगा, अब यूनिटरी मेथड, बाइट्स के नीचे मिनट्स, के नीचे मिनट्स, समझ आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बाय द वे अगर हम इसको यहां से रिमूव कर दें, 1 मिनट की भी हम या 1 सेकंड की भी ऑडियो निकाल तो सकते हैं कि नहीं, अगर मैं इसको 60 से ना मल्टीप्लाई करता, 60 मिनट्स के साथ या 36 सेकंड्स के साथ ना मल्टीप्लाई करता, बात तो तब भी सेम ही थी, क्या ख्याल है, मैं दोनों तरफ से ये मिटा दूं, जरा सुनना, फिर ये कितनी देर की आएगी, 1 सेकंड की, तो फिर यहां पे भी क्या आएगा, सेकंड, ये मैंने 3600 सेकंड्स यहां से मिटाया, क्यों, क्योंकि अब ये वैल्यू किसके लिए आ रही है, सेकंड्स के लिए आ रही है, किसके लिए आ रही है,
सबको समझ आ रही है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या था? 60 मिनट्स की बात थी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेकंड की कैलकुलेशन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 सेकंड से करेंगे, या इन अदर वर्ड्स बोलेंगे कि इतने बाइट्स बन रहे हैं 1 सेकंड में। 500 मिलियन, मिलियन मींस मेगा, मेगा बाइट्स के लिए कितनी देर की रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसको इनके साथ और इनको उसके साथ। सो ये हो जाएगा 44,100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1 × 500 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारी चीज इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 44,100 × 2 × सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से था ना, रैंडम सा सवाल था ये, इसलिए कैलकुलेशंस इस तरह की आ रही है, अदरवाइज तो हो जाएगा ये सही है। जी बेटा, ये मैंने कहा वैसे एक मेरे जहन में एक वैसे खामखा का सवाल जनरेट हो रहा है कि सीडी के अंदर, सीडी की जो टोटल मेमोरी है ना वो है 500 मेगाबाइट्स। मुझे बताओ कितनी देर की रिकॉर्डिंग इसमें पॉसिबल है? कितनी देर की रिकॉर्डिंग हम स्टोर कर सकते हैं इसमें? क्या चीज? तो फाइल साइज निकाल लिया ना, एक सेकंड में इतनी बाइट्स लगेंगे, एक सेकंड में इतनी बाइट्स लगेंगे, ये हमने निकाल ली। हमने निकालना है कि कितने सेकंड्स की ऑडियो अब रिकॉर्ड हो सकती है टोटल मेमोरी में। टोटल मेमोरी हमारे पास ये है, किसको? ये मेगा लिखा हुआ था, कन्वर्ट कर दिया बाइट्स में, चूंकि ये भी बाइट्स में था, ये भी बाइट्स में था ना, तो ये असल में क्या है? ये वही 500 मेगाबाइट्स ही है, ये 500 MB था, तो मैंने MB को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बी की जगह मैंने बाइट्स लिख दिया। ठीक है, ये हुआ असल में। अच्छा, ये 1 मिलियन मेगा होता है। यहां तक क्लियर हुआ? वो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई किया था तो स्टीरियो ही था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है कंप्रेशन। यहां तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया साउंड का और इमेजेस वाला। नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 3, डेटा कंप्रेशन। आप लिख देना आंसर, ये तो मैंने रैंडमली लिखा है इसलिए थोड़ी बड़ी वैल्यूज बन रही हैं। ठीक है, हाँ एग्जाम में कर। डेटा कंप्रेशन 3rd चैप्टर है। फर्स्ट वन था नंबर रिप्रेजेंटेशन या डेटा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था ग्राफिक्स, ठीक है, इमेजेस एंड साउंड था जिसके अंदर, तीसरा है डेटा कंप्रेशन, तीसरा है डेटा कंप्रेशन। सबसे पहले इस चीज की तरफ जरा देखें, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है बच्चों सारे सुनो जरा, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है कंप्रेशन का, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेस करना किसी चीज को, किसी चीज को छोटा, जैसे ये कपड़ा है बहुत बड़ा होगा, इसको मैं जब कंप्रेस करूंगा ना, करने के बाद कोशिश करूंगा क्या कर लूं, बहुत ही छोटा कर दूं इसको। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे कि नहीं? कंप्रेस कर देना किसी चीज को। हम ये कंप्रेशन की जो एल्गोरिथम्स हैं हम विद रिस्पेक्ट टू डेटा पढ़ेंगे। किसके हिसाब से? डेटा के हिसाब से पढ़ेंगे। अब डेटा हमारा क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। डेटा हमारा क्या हो सकता है? इमेज हो सकता है। डेटा हमारा क्या हो सकता है? साउंड हो सकता है। डेटा हमारा क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी। डेटा हमारी क्या हो सकती है? वीडियो हो सकती है। वीडियो हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा इंट्रो वैसे करा दूंगा बट ये नहीं है। हमारे सिलेबस में टेक्स्ट है, इमेज है और साउंड है। सॉफ्टवेयर भी नहीं है बट इसको मैं डिस्कस करा दूंगा। सही है, व्हाट इज डेटा कंप्रेशन? पहले तो उसकी तरफ आते हैं। सुन लो बच्चों, डेटा कंप्रेशन किसको बोलते हैं? इट इज, कोई बताएगा वैसे आप में से या मैं ही बताऊं? हैदर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड डेटा,
वो तो तरीका है ना कि हम डेटा को कंप्रेस, मतलब पहली बात तो उसने कहा था कि कंप्रेशन किसको बोलते हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ, रिमूव करना किसको, अनवांटेड डेटा को या अननेसेसरी डेटा को या उस डेटा को जो हमारे काम नहीं आ रहा उसको रिमूव कर देना। अब उसको परमानेंटली रिमूव करें या आप टेम्परेरीली रिमूव करें, कंप्यूटर में उसने फाइल साइज रिड्यूस्ड ही रखनी है अपनी, उसका फाइल साइज ज्यादा नहीं होगा, रिड्यूस्ड फाइल साइज होगा। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है, अभी मैथ्स खोलने सारे।